नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरुजी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों के लिए। आज के दिन का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी एनर्जी से इस समय पर आप कनेक्टेड हो या कनेक्ट होने जा रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज दिन भर में आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, आई एम यूजिंग द लव कैंडल टुडे आप लोगों के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ऑल्सो इट इज अ जनरल रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज इसको एज अ जनरल रीडिंग ही ट्रीट करें। ओके, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जी। एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद योर रीडिंग। लेट्स सी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आज के दिन में उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है? मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। ऑल राइट गाइस, सबसे पहला जो आप लोगों का यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं आज के दिन में, या अपने आप को खुद से आपसे कंपेयर कर रहे हैं। कुछ कंपैरिजन यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देर इज अ कपल जिनके बीच में एक बच्चा भी इन्वॉल्व है, या फिर यहाँ पे कुछ पेरेंट्स इन लॉज से रिलेटेड कुछ सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही है। यस, सीक्रेट्स हैं कुछ कुछ लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ सीक्रेट्स हैं और दोनों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ में ही चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के आज के दिन में एक दूसरे के साथ में जो टेलीपैथिक कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों की ही जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है इस समय पर, और आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो बहुत जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट हो रहा है। सो ट्राई टू कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। बहुत सारे, ओ माई गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सिंबल। एक तो बहुत सारे आप लोगों के जो हैं वेनिंग मून यहाँ पे निकल के आ गए हैं, ये लेटर डी भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर दो वेनिंग मून्स हैं जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। ये 2-3 बार ये पैटर्न जो है रिपीट हो गया है, एज इन यू बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, या आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, क्या ऐसा लग रहा है कि आप में से जो 90% लोग हैं वो अपने सोलमेट के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में बार बार कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड एलिमेंट आके अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और ये जो भी थर्ड पार्टी है ये फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे जोंक की तरह आप लोगों के कनेक्शन से अटैच हो गई है, इनको कुछ फायदा हो रहा है, और जैसे इनको फायदा होना बंद हो जाएगा, ये पर्सन जो भी है ये लेट गो कर देंगे। मुझे यहाँ पे गाड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। दिस पर्सन माइट बी थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टुडे और दे माइट हैव सम ट्रैवल प्लान्स टुडे। आज के दिन में ये ट्रैवल करने के बारे में या तो सोच रहे हैं, या इनको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। या ये सिंबल हो सकता है कि आप लोग जो है मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, दूसरे सिटीज में रहते हैं, या ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज्यादा एक दूसरे को देखने के लिए। ओके, मे बी आप लोगों का वीकेंड पर मिलने का प्लान हो सकता है। आई एम डूइंग दिस रीडिंग ऑन अ सैटरडे, सो ये जो वीकेंड वाली जो वाइब है वो आ रही है। दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद यू, और मुझे यहाँ पर एक ऐसी क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कोई बात छुपाई है या आपने इनसे कोई झूठ बोला है, और ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। ओके, या किसी की बातों में ये आ रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन किसी के साथ में चल रही है। आप अगर डायरेक्टली इस पर्सन के साथ में कांटेक्ट में नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन
आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है वो एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं बता रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है भाई, जिनके लिए भी होगा होपफुली उन तक पहुंच जाएगा। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के मीडियम से अपने पार्टनर के साथ में कनेक्टेड हो तो। दूसरा, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। आप दोनों के मन में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट है, बहुत ज्यादा डर है कि कहीं कुछ कन्वर्सेशन खराब ना हो जाए, कहीं कोई बात खराब ना हो जाए आप लोगों के बीच में। इस वजह से आप लोग जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो बिल्कुल बातचीत ही इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप लोगों की बातचीत हो भी रही है एक दूसरे के साथ में तो वो एकदम सही तरीके से नहीं हो पा रही है। कोई ऐसा मैटर मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार आप लोग उसको अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पर एक मैसेज जो है वो फ्रेग्रेंस से जुड़ा हुआ आ रहा है। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्मेल यू, या आपका यूज किया हुआ कोई डिओड्रेंट, कोई परफ्यूम या सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्मेल इनको आई है रिसेंटली, और उस खुशबू से इनको आपकी याद आई है। आपकी खुशबू इनको याद आ रही है। मे बी आपकी जो पर्सनल स्मेल है, आपकी जो पर्सनल फ्रेग्रेंस है, ये जो बॉडी ऑडर है वो इनको अट्रैक्ट करता है या उसको ये याद कर रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कई लोग फोटो मेमोरी से कनेक्ट करते हैं, कई लोग ऑडर से कनेक्ट करते हैं, कई लोग आवाज से कनेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये इंसान, इनके लिए शायद फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। या आपकी कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यस, दिस पर्सन कुड बी अ नंबर 6 पर्सन विद दिस फ्रेग्रेंस मैसेज। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख का हो सकता है, या इनका जो वीनस है वो एक्टिव हो सकता है इस टाइम पे। शुक्र की हो सकता है कि महादशा इनकी चल रही हो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, दिस इज अ हिंट। दूसरा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं फिलहाल ये लाइफ में जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप तक पहुंच सकते हैं अगर इनके पास में अच्छा घर होगा या अच्छी गाड़ी होगी या 50 चीजें आपको ऑफर करने के लिए होंगी, जब ये अपने आप में कंफर्टेबल फील करेंगे और तब ये आपको कुछ एक्सेप्ट करेंगे या तब ये आपको कुछ ऑफर करेंगे। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में चीजें इनकम्प्लीट हैं, ये अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनकी उम्र निकलती जा रही है, जो कुछ इन्होंने सोचा था अपने लिए और आपके लिए वो एक सर्टेन एज तक वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इन्होंने अपने आप को लाइफ में कुछ टास्क दिए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं और उस वजह से इनको एंजाइटी भी हो जाती है। ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से गाइज आज आप लोगों की कैंडल जल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन हु इज वेरी वेरी स्टबर्न। बहुत स्टबर्न ये पर्सन है। इनको इनका दिल पिघलाना या इनके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है उस बात को सामने लाना वो बहुत मुश्किल चीज है, या बहुत कम लोगों से, शायद ही लाइफ में शायद कोई एक पर्सन होगा बड़ी मुश्किल से जिससे ये अपने मन की बात शेयर करते होंगे, बाकी किसी से ये इंसान खुल के कुछ नहीं बोलते हैं और अपने अंदर ही अंदर अपने सारे सीक्रेट्स को ट्रैप्ड रखते हैं। दे कैन बी अ पेट लवर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पेट लवर हो सकते हैं। इनका वैसे बहुत बड़ा सर्कल हो सकता है फ्रेंड्स का। उठना बैठना बहुत सारे लोगों में हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई इनको पूरी तरीके से जानता नहीं है, या इनकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। कई लोगों के लिए ये बड़ी स्केरी पर्सनैलिटी है, कई लोगों के लिए ये है। आपके लिए ऐसा है कि आपने जैसे कि इनको हर तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है और आप कर भी रहे हो। ये पैटर्न मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन में ज्यादा वाइज एनर्जी, ज्यादा समझदार व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो मेरे व्यूअर्स की है, वो आप लोगों की है। ये पर्सन थोड़े से मुझे थोड़े मनमौजी किस्म के लग रहे हैं, या जिनको कमिटमेंट वगैरह देने में भी इश्यूज हैं।
ये कमिटमेंट दे भी देंगे अगर लाइफ में, तो बिल्कुल जैसे एहसान करके दे रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी इनकी है. यू माइट बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न अगर हैं तो शादी के बाद में चीजें काफी हद तक फिर भी आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी, बट स्टबर्न नेचर रहेगा. टॉरस भी राशि हो सकती है, इनको चीजें थोड़ा सा मे बी देरी से समझ में आ रही हैं. अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ज्यादातर लोगों की राशि जिस व्यक्ति से वो जुड़ रहे हैं, टॉरस राशि हो सकती है, जेमिनाई राशि हो सकती है, कि बात जब बिल्कुल हाथ से निकल गई है. एरीज हो सकते हैं, बात बिल्कुल हाथ से निकल गई है तब जाकर के रियलाइजेशंस हो रहे हैं, और तब भी ईगो को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. सॉरी बोलना इज अ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर देम, बहुत बड़ा टास्क है इनके लिए. किसी से माफी मांगना, किसी को सॉरी बोलना, अपनी गलती जानते हुए भी, ये हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लेम करें या किसी और पे ब्लेम करें. लेट्स पिक सम कार्ड्स फॉर यू, थ्री कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग. टू कंक्लूड दिस रीडिंग, महादेव प्लीज गाइड मी. करंट एनर्जी ऑफ द पर्सन जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स इस समय पर सोच रहे हैं, इस इंसान की ऊर्जा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? लव है, अनकंडीशनल लव. ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, ये कुछ यहाँ पे मैसेज ऐसा आ रहा है. इनको कोई बात आपके बारे में पता चली है जिसको जान करके इनका लाइक दिल टूट गया है. वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है, या आपके लिए सही पर्सन नहीं है, या आप अपनी लाइफ में किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, और ये चीज हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी बोली भी हो. राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही. आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों के कुछ हेल्प कर पाई हूँ. और जाते जाते प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस रीडिंग. जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.